ब्रजेश। हाँ जी भैया। क्या हुआ, बल पड़ गया? नहीं नहीं भैया। तो क्या हो गया, ये टेढ़ा क्यों खड़ा है? भैया धरती टेढ़ी हो गई है। धरती टेढ़ी हो गया, दिमाग खराब है तेरा? ओ देखो खंबा टेढ़े हो गए हैं। ओ बेवकूफ, एक खंबा टेढ़ा है बाकी सारे सीधे हैं, लगाने वालों ने नहीं पता लगा उनको, हो गया टेढ़ा। चल चल, बेवकूफ कहीं का, धरती टेढ़ी हो गई है तो फिर से टेढ़ा हो गया। अब इधर क्या हो गया? और मैं बोल रहा हूँ ना, धरती टेढ़ी हो गई है, ये भी खंबा टेढ़ा हो गया। देखो पीछे वहां देखो यार, ये सही है, इधर भी टेढ़ा इधर भी टेढ़ा, ये लगाया टेढ़ा है, हो टेढ़ा गया है, क्या चक्कर है? तो जो भी हुआ हुआ, लेकिन किसी ने ठीक भी तो नहीं किया। अच्छा, इसी को देख के तू कह रहा है? हाँ जी। की धरती टेढ़ी हो गई है? टेढ़ी हो गई है, बेवकूफ कहेगा। धरती टेढ़ी नहीं है, लगाने वाले शायद टेढ़े थे, जिनको पता नहीं लगा कि पोल सीधा लग रहा है कि टेढ़ा लग रहा है। ये दिखाते हैं, पहले ये वाला दिखा देते हैं इनको ना, ये नो पार्किंग का बोर्ड लगा ना इस पे। हाँ इनको ये दिखा देते हैं, ये देखना पहले, यहाँ टाइलें ये नहीं लगी है, ये वाली टाइल छोड़ दी, इधर इधर टाइल लगी है ना, और ये टेढ़ा है, इसे टेढ़ा ही रहने दिया, इसको ये नहीं है कि इसे सीधा किया जाए, ऐसा नहीं किया, जैसा है वैसा ही रहने दो। और इतनी सी टाइल जो मतलब ये जो पूरी टाइल यहाँ पर लगनी थी उसे नहीं लगाया, ये सीमेंट से इसे पूरा ऐसे ही पक्का कर दिया, पक्का काम किया है। अब सामने से दिखाना ये बोर्ड कौन सा है, ये है नो पार्किंग का बोर्ड, आउटसाइड येलो स्लॉट नो पार्किंग, यानी कि पार्किंग अगर होगी तो, अगर बाहर येलो स्लॉट की होगी तो आपका चालान हो जाएगा, जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत हुई तो थी लेकिन अब पूरे तरीके से वो बंद हो चुकी है, वो येलो स्लॉट वाला जो चीज़ें चली थी अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मेन बात यही है कि पोल टेढ़ा है, पूरा पोल देखिएगा पूरा का पूरा टेढ़ा है, इसके ऊपर सीसीटीवी होता होगा? हाँ था सीसीटीवी, वो देखो ना ऊपर भी डब्बा लगा हुआ। अच्छा वो हटा दिया है ना? हाँ वो हटा दिया, पोल टेढ़ा है। तो ये काम है जम्मू पाक स्मार्ट को लेकर, ये पोल लगाया गया था, पूरा पोल टेढ़ा है, मैंने पहले बताया आपको, ये इस जगह पर टाइल नहीं लगाई, इसे पूरे तरीके से पक्का कर दिया, पक्का किया हुआ है लेकिन टेढ़ा है, जो ये चीज़ें दिख रही है। दूसरा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वो सामने वाला पोल जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, और ब्रजेश जिसकी वजह से कह रहा था कि धरती जो है वो टेढ़ी हो गई है, ये खुद इसको बल बढ़ गया है, वहाँ वाला पोल दिखा भाई, ये दिखाना, ये बिल्कुल जो फुटपाथ है उसके एंड पॉइंट पर ये पूरी, ये पूरा पोल जो है वो टेढ़ा हो गया है, और सामने एक स्कूल भी है। साथ में ये बता दूं, ये बैक साइड जो है ये हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो गांधीनगर का हॉस्पिटल है वो है, और ये पूरा का पूरा पोल टेढ़ा है। तारे हैं ऊपर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की तार कोई नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी तारे हैं, पूछी वो वायर्स है वो पता नहीं है, पोल टेढ़ा है ये बताना बहुत ज़रूरी है। कभी भी कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है, खुदा ना खास्ता अगर ये पोल गिर गया तो कोई इसके नीचे आएगा तो असंभव है कि उसकी जान बच पाएगी, इम्पॉसिबल होगा उसकी जान बच पाना। ये सीमेंटेड पोल है और पूरा टेढ़ा है, जिसे 90 डिग्री पे होना चाहिए था, तो इसकी डिग्री जो लगाने वाले थे उन्होंने पूरी डिग्री ही इसकी चेंज कर दिया है, बाकी पोल सीधे हैं, मैक्सिमम पोल यहाँ पर सीधे लगाए गए हैं, ये पोल टेढ़ा है। दूसरा पोल मैंने वहाँ पर भी आपको दिखा दिया, नो पार्किंग का जो बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर, इसके लिए पूरी तरीके से अभी एक डेढ़ साल पहले ये सारी कवायद की गई थी, और एक साल में ही वो पूरा पोल जो है वो टेढ़ा हो चुका है। अब काम किस तरह से होता है, क्योंकि बार बार हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं जो हम आपके सामने लाने की कोशिश भी करते हैं कि भैया ये देख लो ऐसा काम हुआ था, और उसके बाद ये थोड़े समय के बाद ही उसकी तस्वीरें क्या है वो भी आपके सामने, जैसे ये देख लीजिए, यहाँ पर ये जेएमसी का डस्टबिन रखा गया है। अब डस्टबिन के अंदर गंद कम है, लेकिन डस्टबिन के बाहर गंद देख लीजिए, सारा गंद बाहर पड़ा हुआ है और उठाया भी नहीं है। ये गाड़ियां देखिए यहाँ कितनी जाती है, यहाँ पर साथ में ही ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो गांधीनगर का है, ये वो एरिया है, ये इसी के साथ में ही ये है, और सामने काफ मार्केट है, और यहाँ मेन गेट है गांधीनगर हॉस्पिटल का, गंद यहाँ है, पोल टेढ़े हैं। तो देखिए सर, पोल क्यों टेढ़े हैं, और जो लगाए गए थे, जिस चीज़ के लिए लगाए गए थे, उसके काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये आपके सामने है। क्योंकि बार बार मैं यही कह रहा हूँ, कुछ तस्वीरें हमारे सामने ऐसी आती हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक और आम पब्लिक तक लाने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का काम जो है वो यहाँ जम्मू में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है, लेकिन रिजल्ट एंड पॉइंट पे क्या निकलता है वही हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं।